बर के हम लोग इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे seniors who wanted to earn money, वो कैसे पैसे बना सकते हैं कितने लोगों का इंटरेस्ट है यह दिमाग में क्योंकि मैनी पीपल एसोसिएट कह सीनियर है पैसे बना लिए पैसे ऐसे की बात नहीं करो पैसे बहुत बड़े अकाउंट में राइट बट देन एवरीबडीज डिफरेंट राइट एवरी यंगस्टर इज डिफरेंट एवरी सीनियर लाइफ इज अपाउन कुछ लोगों ने बहुत पैसे बनाए होते हैं खत्म हो जाते हैं कुछ के नहीं होते हैं अचानक से आ जाते हैं यू नो सो इट्स इट्स ऑल साइक्लिंग बट एक वेबसाइट है जिसको आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड एम टर्क मैं लिख देता हूं जिसको देखना है तो एंड दिस वॉज एक्चुअली एन इनिशिएटिव बाय एमेजॉन एम टर्क क्या करता है कि एमटर्ट में जो आप देखोगे ना वॉल वॉल ग्रीन सैम्स क्लब या इस तरह की नॉर्मल जो रिसीट्स भी होती हैं यू नो जो फार्मास्यूटिकल रिसीट्स होती हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको टाइपिंग करने के पैसे देता है वो यू नो ट्वेंटी सेंस थर्टी सेंस फिफ्टी सेंस बट नॉर्मली जो लोग उस पर काम करते हैं थोड़ी बन जाती है वो छः दस डॉलर एन आवर घर बैठे हुए बना सकते हैं एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क लाइक वीडियो देख लो वीडियो के ऊपर कॉमेंट्स ऑफ स्टफ यू कैन डू तो उसको थोड़ा सा जाके देखो के क्या आपके काम की चीज है एंड अगैन प्लेंग विद माई वाइट बोर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे लॉक करूँ वाइट बोर्ड देर इज नो ऑप्शन बट कैन यू ऑल सी द व्हाइट बोर्ड आप सबको नजर आ रहा है कि नहीं अब तक सर ठीक है लेट्स सी ओके सो आज का जो बुक है दैट्स ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड आई एम पिकिंग अप अ समरी फ्रॉम अ टेड टॉक जिसमें दस चीजें दी भी हैं और उस दस चीज को जो है वो नॉर्मली हम यूज करके कम्युनिकेशन

जो लोगों ने रिसर्च की जाने के बाद उनके ऊपर तो एक उसूल पे उन्होंने फतेह हासिल की थी दुनिया को हरा दिया था विच वॉज फॉर गिव फर गेट ठीक है तो ये सामने वाले पे भी भलाई होती है और आपके अपने ऊपर भी भलाई होती है When you start And we start things, हम लोग से तो बहुत ज्यादा बोलते हैं ठीक है माफ कर दिया लेकिन हम अंदर अपने वो अभी भी रखते हैं, हम कर देते हैं लेकिन करना हमको नहीं आता जिस वजह से बहुत सारे लोगों को नींद का मसला शुरू हो जाता है एंड बहुत दफा स्लीप है जब आप जाओगे ना एटी वन परसेंट लोगों को नींद का मसला होता है आफ्टर दर्टी ये मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा है तो

दिमाग ठिकाने पे नहीं है इज इक्वली पॉसिबल एज हार्ट ठिकाने पे नहीं है शुगर ठिकाने पे नहीं है ब्लड प्रेशर ठिकाने पर दिमाग भी आपका ब्रेन है बट हम क्या बहुत इगोस्टिक हो जाते हैं राइट तो जो लोग प्रॉब्लम में भी होते हैं ना वो भी मेंटल हेल्थ को लेके निक जाते हैं राइट लोग बड़े बड़े इश्यूज से गुजरते हैं लेकिन जब उनको बोला जाता है जब ऐसे केसेस आते हैं उस पर तो वो नहीं जाते हैं ठीक है बिकॉज देर इज एन स्ट अटैच मेरा दिमाग ठिकाने पर तो है भाई तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ अब होता क्या है ये बहुत सारे लोगों को जो है ना ये करना नहीं आता फोगिव करना नहीं आता लेकिन बहुत सारे लोग सीख जाते हैं फोगिफ करना क्योंकि व्हेन इट कम्स टू स्पेशली द रिलेशनशिप्स व्हेन इट कम्स टू के आपसे बच्चे हैं या किसी ने दिल दुखाया आपका या आपके दोस्तों ने तो आपने चलो फोगिफ कर दिया ठीक है लेकिन फिर भी वो मसला अंदर रहता है तो फोगिव अंदर से कैसे किया जाए और फोगेट कैसे किया जाए लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर अ मिनट आज की टॉपिक में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है so, Quick -quick लेंगे और में स्विच करते रहेंगे मैं चाहूंगा लोगों को चांस मिले बोलने का वाई नेसेसरी टू रीड कुरान बिकॉज इट द कोड्स ऑफ कंडक्ट राइट ये पूरा मैनुअल है हमारी बॉडी का जिस तरह हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट आता है तो हम मैनुअल्स पढ़ते हैं आज के जमाने में यूट्यूब वीडियो देखते हैं राइट right?

जन में बाइबल का फ्रेज था और मैं चेक कर रहा था क्योंकि आई वाज अ कंपैरेटिव रिलीजन स्टूडेंट और मैं देख रहा था बिकॉज बीइंग मुस्लिम मुझे यह था हमेशा से कुरान शरीफ जो है वो हमारी किताब एंड दैट्स द बेस्ट किताब उस उसमें भी मेरा ईगो आ रहा था लेकिन एज एज या साइंटिस्ट बिहाइंड मैं दोनों तो को स्टडी कर रहा था तो खुदा का तरीका मैंने समझा बाइबल में खुदा बहुत डिटेल में बताता है खींच खींच के बताता है कि ओके यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे मदर का नाम क्या था भाई के नाम क्या थे मंजर क्या था उस जमाने का मिनिस्टर कौन था कुरान में कोई जिक्र नहीं ठीक है मदर का भी जिक्र नहीं भाइयों का खाली बेसिक बेसिक बता दिया कौन सी जगह थी मिस्टर का बेसिक बता दिया राइट बट उसके बाद फिर डायरेक्ट काम पे बात पे आया फिर खुदा ने जंप किया दूसरे टॉपिक पे फिर एक और दूसरे कुरान के सैंसा में उसके बारे में जिक्र किया तो उन्होंने बोला कोई नॉर्मल ऑथर होता है ना तो वो बोलता है अच्छा ये बात पुराने चैप्टर में फलाना फलाना जगह पे बोल दिया रेफरेंस में पढ़ लो कुरान में ऐसा नहीं है कुरान में खुदा जंप करता है टॉपिक्स पुरानी चीज को भी दोहरा देता है right? राइट चार पांच छह दफा अलग अलग जगह बिकॉज उसने बोला मैं सोचता 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 रहा सुचता रहा सुचता रहा यार Muslims कहते हैं दुनिया कहती है कि दिस द लास्ट डिवाइन बुक बुक ऑफ गॉड इसके बाद कोई बुक नहीं है हमारा रिलीजन कहता है कि हमारे पास बोलता कुरान है वी हैव द थिंग सो हमारे पास गाइडेंस चलती रहेगी बट फॉर दोज जो कहते हैं कि बुक खत्म हो गई दैट वाज द लास्ट डिवाइन नॉलेज वो कहता है मैं सोचता रहा मैं चार साल फंसा रहा इस चीज में कि ये ऐसा क्यों

बिकॉज खुदा ने बहुत क्लियरली बोला था कि भाई वॉश कर कर आना ठीक है वॉशिंग पाउडर ने मां सब ने सुना है तो अपने गुना वॉश करके आना ठीक है तो एक गुना जो है वो ह्यूमंस के साथ है और एक गुना जो है वो मेरे साथ है ठीक है तो कौन को पता है ऊपर वाला तो बादशाह है हम बोलेंगे थोड़ा सा करेंगे रोएंगे धोएंगे बोलेगा ठीक है जा माफ कर दिया उसने बोला ह्यूमन के मैं नहीं माफ करूंगा जिसका मसला है उसी से सॉल्व करना अब हम मर गए हमारे बाप रे ईगो तो इतना बड़ा है हमारा राइट तो अब हम कैसे करेंगे माफ करेंगे चलो दुनिया से चलेगा ये कौन फिर से कर रहा है यार, okay. ये व्हाइट बोर्ड से खेलना छोड़ दो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा मैंने देख लिया कौन कर रहा है ओके okay. सो अब हो क्या रहा है कि अब जब तक आपने किसी के साथ बुरा किया है वो आप कॉन्शियस में चला गया है और वो आपको बीमारियां कर रहा है वो आपको कर दिया आपने या उसने वो मसला अलग है लेकिन नहीं होने दे रहा क्यों क्योंकि खुदा ने आपके सुपर कंप्यूटर में ऐसा लॉजिक बना दिया है कि जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे ये और कॉम्प्लिकेटेड होते रहेगा आप देख रहे हो ये दिमाग है आपका राइट सर्कल सर्कल सर्कल्स बन रहा है वो क्या रहा है यहाँ से स्लीप उड़ गया यहाँ से कंप्यूटर खराब हो जाता है ना रैम रॉम उड़ जाता है हार्ड डिस्क उड़ जाता है आपका यही हो रहा है सब राइट

जो 90 पंगे पाले में, दुनिया में, वो लोगों के साथ अभी भी जब आपको कुछ ना कुछ याद आता है आप पूरा कहानी निकाल लेते हो नाइनटीन सेवेंटी टू लव स्टोरी से लेकर अभी तक क्या हुआ था दो हजार चौबीस तक और आप फिर पूरी कहानी को मजे से देखते हो फिल्म को और आप फिर बोलते हो फॉरगिव कर दिया अरे क्या फॉरगिव किया पूरी फिल्म दोबारा से देख ली अगर फॉगेफ कर दिया था तो याद क्यों आया यस और नो कितने लोग ट्रस्ट में इस बात को अग्री करते हैं राइट right? कोई ना कोई मसला सबके अंदर है चाहे आपने लोगों से मसले किए चाहे लोगों ने किए ठीक है थीके? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जजमेंट नहीं दे रहे कि मसला किसने किया हम बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ हुआ होगा राइट right? तो अब उसका सबसे आसान हल तो यही है कि इंसान के पास जाओ और जाके माफी मांग लो जैसे नर्गिस ने कहा यस और नो अब आ जाओ कितने लोगों में इसकी ताकत है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कितने लोगों में माफी मांगने की ताकत है हो सकता है आप लोग सीनियर हो मेलो डाउन हो गए हो किसी यंगस्टर्स को पूछ लो किसी से सॉरी बोल सकते हो मैं क्यों भाई राइट ठीक है सो नहीं होगा राइट मैन ऑफ यू आर लाफिंग बिकॉज मेन ऑफ यू नो नोजस्टर्स बहुत सारे सीनियर्स भी बोलेंगे इतना बड़ा ईगो होगा रहा मैं तो सीनियर हूँ मुझे तो वैसे ही डिफॉल्ट में माफ कर देना चाहिए सबको राइट right? तो मुझे तो माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है राइट तुम चले भी जाते हो तो हमारे पीछे दो लाइन बोली जाती है कि माफ़ कर देना राइट तो वैसे माफ़ी होती है कि नहीं मुझे नहीं पता लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है फोगेवन फोगेट का के हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं मैं अगेन टॉपिक पे आ रहा हूँ ठीक है तो स्ट्रेस बहुत बड़ा वर्ड है उसका सबसे मेजर कॉज मेंटल हेल्थ से और मेंटल हेल्थ के अंदर कॉन्शियस अनकॉन्शियस की गेम आती है राइट जिसको आज भी साइंस समझ रहा है तो सबसे पहली चीजें जो होती है ना वो ह्यूमन से होती है, आप सोचो ये आज आपको सिखा कौन रहा है रिलीजन नहीं सिखा रहा है साइंस सिखा रहा है आपको बेस्ट सेलिंग ऑथर सिखा रहा है जो कि गोरा है इसका इस्लाम पे या खुदा पे कोई ईमानी है वो आपको सिखा रहा है की बात है यस और नो राइट कल तक आप ये सारी कहानियां मजहब में सुनते थे लेकिन आपको फैशनेबल क्यों नहीं लगती थी क्योंकि आपको लगता था मजहब तो है राइट right? आपको गोरा बोल रहा है सीफन को भी बोल रहा है तो आप बोलो हाँ, हाँ अभी तो सही होगा तो, right? तो तो <coughs> और सबको अपने अपने पता होता है ठीक है आपने जो जो मसले दूसरों के साथ किए खराब किया है किसी को बुरा बोला है किसी के साथ बैक बाइट किया है बैकबाइट तो एक ऐसा कॉमन common... मसला है ना जो हम एज ए हॉबी लेते हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में राइट right? किसी की बुराई करना तो पार्टी है राइट राइट दैट्स कॉल्ड गॉसिपिंग इज द कल्चर बिहाइंड एवरीथिंग तो वो एक सबसे बड़ा मसला है उसके ऊपर अगर हम साइंस पे आएंगे ना तो हमको समझ आएगा आधा स्ट्रेस कितने लोग गॉसिप करते हैं रेज योर हैंड्स मुझे पता है हाथ कोई नहीं आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला लिख लो मैंने जब सुना तो मैं हैरत में आ गया मतलब खुदा क्यों कहता है बैक बाइटिंग नहीं करो किसी की बुराई नहीं करो और इस्लाम में तो इसके लिए इतना हार्श वो है कि किसी ने बैक बाइट की दिस ईटन अप द मीट ऑफ डेड ब्रदर का गोश्त है सो you know? so अब खुदा किस तरह डरा रहा है ताकि आप स्टॉप करो राइट right? बट हम सब में ये हैबिट है ट्रस्ट मी यस और नो हमें मौका मिलना चाहिए हमें ऐसी खुशी मिलती है बुराई करते हुए किसी की यस और नो हमको ऐसा लगता है स्ट्रेस निकल रहा है आई डोंट नो किसी बहुत बड़े सूफी ने कहा है लेकिन खुदा इसको पसंद नहीं करता और खुदा ने इसका सलूशन पता है क्या बनाया मौलाना रूमी ने यह बात बताई है खुदा ने इसका सलूशन ये बताया कि अगर मैं समझो किसी एक्स वाई जी की बुराई करता हूँ ठीक है अच्छा उसको छोड़ दो कि उसमें वो बुराई है कि नहीं है हम लोग बहुत दफा बोलते हो तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ सामने वाले में तो ये मसला है ये और नो कितने लोग इस डिबेट में भी फंसे हैं बुराई की डेफिनेशन अगेन कुरान में मिलती है कि उसके अंदर हो या ना हो क्लियर हो गया उसके बारे में बात करना यानी अपने ब्रदर का ऐप छुपाना या मुस्लिम का अपना बताना इज बुराई वो मना किया राइट? रोमी कहते हैं कि अगर आप किसी की बुराई करते हो रिगार्डलेस ऑफ कि उसके अंदर वो है कि नहीं है आप जब तक इस दुनिया से नहीं जाओगे जब तक आपके अंदर ऊपर वाला वो बुराई पैदा ना करता ये जस्टिस है तो आपको बड़ी हैरत होगी ये है जान के जब हम किसी की बुराई करते हैं और आप ध्यान से सोचना हमने की होगी हम सब बहुत ज्यादा जो है वो एंजॉय करते हैं स्किल को जब भी हम किसी की बुराई करते हैं ना अक्सर हमारे अंदर वो बुराई आना शुरू हो जाती है यू you नो know, हम कहते हैं वर्त बहुत झूठ बोलते हैं आप बहुत झूठ बोलना शुरू कर दोगे ठीक है वो बहुत ज्यादा मटीरियलाइज है आप खुद मटेरियलाइज होना शुरू हो जाओगे ठीक है वो बहुत ज्यादा लेट आता है आप खुद लेट आना शुरू हो जाओगे यू नो ट्रस्ट मी जो भी वाइज लोग होंगे ना आपने देखा होगा वो कभी किसी की बुराई नहीं करते उनका इस चीज़ से बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है बिकॉज उनको ये साइकोलॉजी कहती है देखो तो ये बात बहुत स्ट्रांग है कि आप इन सबको और देखो ज्यादा बात करने से मना क्योंकि आप देखो जिसको भी उठा लो कुरान उठा लो बाइबल उठा लो साइंस ले लो यू नो टू मच टॉकिंग रिजर्ट इन एन बी यू नो आपके पास ज्यादा जब बोलने को नहीं होगा तो एट द एंड गॉसिप शुरू हो जाएगी राइट right? तो होता प्रॉब्लम क्या है कि जब हम गॉसिप शुरू कर देते हैं तो किसी की बुराई शुरू कर देते हैं तो हम डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं हम अपने अंदर बुराइयां वेलकम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं उसके तो गुना माफ हो रहे हैं बट हम अपने अंदर वो बुराइयां वेलकम करते हैं तो ये सारा जो मसला है वो करता है कॉज जिसको आज की जबान में साइंस में कहते हैं स्ट्रेस और हमको पता भी नहीं होता कि ये स्ट्रेस आया कहाँ से बिकॉज ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस आप दोनों याद हो के ना हो, हमने इस पर बुक्स पढ़ी हैं जल्दी से कौन रिकैप कराएगा कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क है अब इसके नाम सुने में हैं हमने या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? ठीक है हम फॉरगिव एंड फॉरगेट की बात कर रहे हैं अब उस बुक से रिलेटेड आपके अंदर जो पुरानी चीजें दबी हुई हैं जो बाहर आ रही हैं दैस अनकॉन्शियस आपको लग रहा है वो माइंड नहीं सुन रहा है वो माइंड चार सौ गुना ज्यादा सुनता है कॉन्शियस माइंड से आपको ये बात पता है ठीक है तो जब आप फोर हंड्रेड एक्स पे ऊपर वाला क्यों कहता है कि अच्छा बोलो और अच्छा सुनो कभी कभी बुरा सुनने से आप कॉन्शियस माइंड तो आपका चेंज कर लेगा आपने यूट्यूब की एक वीडियो देखी अपने स्वाइप राइट किया और डिलीट हो गई बट दूसरी आई बट अनकॉन्शियस भी तो देख रहा है ठीक है तो रास्ता ये है जाने का कॉन्शियस से अनकॉन्शियस ड्राइविंग सीखी डर लगता था डर लगता था डर लगता था इतनी चलाने की आदत हुई कि आंख बंद करके भी पता है पैडल क्या है एक्सिलेटर क्या है यू नो गेट्स किस तरह स्विच होते हैं किस तरह रिवर्स होती है ठीक है और फिर जाती है रास्ते से बाद सबकॉन्शियस तक जिसको कहते हैं पावर हाउस इसको कहते हैं खुदा या यूनिवर्सल एनर्जी या जो भी मजहब में हम नाम देते हैं जब हम प्रे करते हैं ना तो हम कॉन्शियस से चैंटिंग करके यू नो ऊपर वाले का नाम ले लेके लेके अनकॉन्शियस में डालते हैं और जब अनकॉन्शियस एक्टिवेट कर देता है सबकॉन्शियस को तो वो पार्ट ऑफ द योगिज्म बन जाता है या ना ये आपको ब्लेस करना शुरू करता है राइट तो टेक्निकली कहते हैं ना वो अली ने कहा कायनात एक इंसान के अंदर है और एक इंसान के बाहर है बट अंदर वाली बहुत बड़ी है तो ये वो कायनते जो कि आपके अंदर है ठीक है तो जब आप तीन चीजें जो बुक में बताई है कि आपको एंड एंडेट करना है या नाइनटी परसेंट आपको अपना वॉश करना है उसमें खुदा बीच में नहीं पड़ेगा उसमें आपको खुद को क्लीन करना पड़ेगा ठीक है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कशन में नहीं जाएंगे लॉ ऑफ करमास इनकारनेशन लेकिन वो ये कहता है कि अगर आपने इसको वॉश कर दिया तो या तो उस इंसान से जाके माफी मांग अगर आप में इतनी हिम्मत है वॉट एफ वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता आपको आज इलाटाइज हुआ वो चले गया दुनिया से ठीक है आपके एनसिस्टर्स हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं सो देन एज अ वीकर सिस्टम आप लॉ ऑफ गाइडेड अप्रोच ला सकते हो ठीक है लॉ ऑफ गाइडेड अप्रोच कोई नया नहीं है नाम नया है बट वी हैव लर्नड इट कि आप इमेजिनेशन करो कि ठीक है मैंने किसी से कुछ प्रॉब्लम कर दिया और अब मैं उसको सॉरी वो इंसान एग्जिस्ट करता है दुनिया में समझो मेरा कोई फ्रेंड है या पुराना बिजनेस पार्टनर है मैंने कुछ सही नहीं किया मेरे कॉन्शियस को पता है और आज अनकॉन्शियस मुझे नींद नहीं लाने दे रहा और मुझे पता भी नहीं है कि क्यों नींद नहीं आती लेकिन इसलिए नहीं आती कि अनकॉन्शियस ने वो प्रॉब्लम क्रिएट किया है क्योंकि तो ऊपर वाले ने कहा था तो प्रॉब्लम तुम्हें खुद सॉल्व करना है ठीक है वायरस आ गया कंप्यूटर में आपके बॉडी में वायरस आ गया तो आप उसको इमेजिन करो अपने आप को इमेजिन करो और जितने कलर्स डाल सकते हो जैसा वो दिखता है दिखती है या जो भी है टॉक टू दैट पर्सन एंड आज फॉर फॉरगिवनेस कि यार मैंने यही ये, ये किया फिजिकली नहीं हो रहा ठीक है बट दैट्स कॉल्ड सोल टू सोल कनेक्शन इमेजिनेशन में गाइडेड इमेजिनेशन के जरिए से आप उसको आपका स्ट्रेस लेवल को कम होना शुरू हो जाएगा और आपको जान के हैरत होगी दिस इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू इन हिप्नोसिस केवल जान के आपको चेक करते हैं कि आपका माइंड फंसा हुआ कहाँ है और बहुत दफ़ा आपके बिहाफ पे सॉरी करते हैं वो लोगों को जिनसे आपको सिन हुआ है और आप जब वापस आते हो तो आपको पता चलता है कि ओह मैं कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ सो दिस इज कॉल्ड मेटा ह्यूमन ठीक है आज के ज़माने में जो एक फिजिक्स है जिसका नाम है मेटा फिजिक्स जिसमें इमाम जाफर सादिक फाउंडर थे ठीक है और उन्होंने बहुत बुक्स लिखी और आपको जान के हैरत होगी ना ये ऑल स्पिरिचुअलिज्म सारी सारी तो जिसको साइंस प्रूव कर सकता है उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं ठीक है थीके? आज खुदा को साइंस प्रूव नहीं कर सकता लेकिन शायद कल कर लेगा राइट लेकिन आज साइंस बोलता है कि यूनिवर्सल गुड एनर्जी

साइंस बोलता ये है ठीक है तो पहला समझ आ गया हाउ मेनी विद मी मजा आ रहा है टॉपिक इंटरेस्टिंग है कि कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ठीक है हमने स्ट्रेस की बिल्कुल एक नई डेफिनेशन ली है हमने फैमिली रिलेशनशिप की बिल्कुल एक नई डेफिनेशन ली है रिलेशनशिप किस तरह हेल्प होगी इसमें लेट्स टॉक अबाउट इट तो एक तो तरीका हमको आ गया अगर हमको वो करना आ जाए तो जिंदगी में हमसे कोई नाराज नहीं होगा कि हम जाके माफी मांग सके लेकिन हम है यू नो you know? माफ़ी नहीं मांग सकते और कभी कभार माफी अपनी गलती पे नहीं मानी जाती दूसरे की भी गलती पे मानी जाती उससे आप बड़े हो जाते हो छोटे नहीं होते कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं रेज रेजियो हैंड ठीक है बट उसके लिए चाहिए बहुत सारी ताकत पावर हाउस और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है हमारे पास इतनी ताकत है नहीं राइट तो अब हम लोग शॉर्टकट में जाएंगे क्योंकि हम हमेशा से शॉर्टकट वाले लोग रहे हैं ना देसी राइट हमेशा से कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स चाहिए रेजियो हैंड्स कितने लोग ऐसे हैं हमेशा से हम सब ऐसे अच्छे तो, सब, सब सब तो दूसरा तरीका ये है कि ठीक है इमेजिनेशन में कौन देखने आ रहा है राइट अगर मैंने किसी को हर्ट किया तो उसको बुला लो दिमाग में, में बैठ जाओ you know, मैंने कुछ बोला उनको बुरा लग गया मेरे को लगा नहीं यार, अच्छा नहीं है तो मैं जाके शौकत भाई को सॉरी बोल सकता हूँ लेकिन उन्होंने यार मैं जाके सॉरी बोलूँ ठीक है मैं तो दो चीज़ हूँ ए बी सी एक्स वाई ही तो मैंने शौकत भाई को इमेजिनेशन ने बुलाया मैं गया उनको मैंने पूरा फील किया कैसे वो दिखते हैं हाइट बॉडी वेट पॉस्चर जो भी कपड़े जिस तरह के पहनते हैं अच्छे क्रिएटिव कलर्स पहनते हैं उनको सब कुछ पहनाया बनाया अपने आप को सब पहनाया बनाया इमेजिनेशन को जितना रियलिस्टिक बना सकते बनाओ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका फेद बढ़ जाएगा ठीक है ये आप अपना अनकॉन्शियस क्लीन कर रहे हो ठीक है डिटर्जेंट से फिर आपने शौकत भाई को बुलाया बोला देखो यार ये हुआ आई एम सॉरी फिजिकल लाइफ में तो मेरे बोलने की हिम्मत नहीं है लेकिन इमेजिनेशन के जरिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ प्लीज माफ कर देना ठीक है साइंस ही कहती है मैड फिजिक्स उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ग्यारह लोगों पर किया कितनों पे इलेवन पीपल उन्होंने कहा ये लोग वो थे जिनके लड़ाई चल रहे थे चल रहे थे, 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 डिस्प्यूट्स आधे थे। से से, ज़्यादा लोगों ने दूसरे को माफ कर दिया, ये करने से। और दूसरे बंदे को जाके पूछा गया जिसपे इमेजिनेशन की गई और उसको पूछा था एक्सपेरिमेंट से पहले और बाद हाउ डू यू फील हाउ मच गिल्टी डू यू फील अबाउट है सो दैट्स द पावर ऑफ ये एक तरह की क्या थी प्रेयर ही थी ना आप कर क्या रहते देखो प्रेयर में क्या करते हो कौन बताएगा ये नहीं बताओ हाथ जोड़ते हैं खड़े रहते हैं जो भी चैंटिंग करते हैं वो सबको पता है ठीक है लॉजिक में जाओ एम्पावरमेंट में हम क्या होता है लॉजिक देखते हैं आप अपने आप को बिल्कुल छोटा बना देते हो ऊपर वाले को बड़ा बना देते हो और आप मांगते हो ठीक है और आप जितने छोटे होते हो उतना ऊपर वाला बड़ा होता है क्या आपके छोटे नहीं होने से ऊपर वाला बड़ा कम होगा नहीं दैट्स अ रिलेटिव टर्म बट जब आप जितने छोटे होते हो वो बरसात तो, 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 तो नहीं कर सकता है वो उतना आपके ऊपर लाइट डाल सकता है राइट दैट्स अ रिलेटिव कुरान में है खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझसे मांगो नहीं मांगो हाँ तुम्हें जरूर फर्क पड़ता राइट तो इसलिए फर्क पड़ता है कि हमने रिलेटिव थ्योरी लगाया आइंसटाइन की तो जब आप इमेजिनेशन में करते हो तो आप करते क्या हो आप बोलते हो ये ये मैं खड़ा हो गया पर इत्रेमानी। ये शौकत भाई को मैंने अनकॉन्शियस में में बुला लिया कि मेरे में इतनी तो ताकत है नहीं कि सामने तो मैं माफी मांगू सामने तो मैं बात हाँ शौकत भाई बोलो कैसे हो ठीक हो लेकिन अंदर से मुझे पता है मैंने मसला किया उनके साथ राइट तो मैंने अनकॉन्शियस में बुला लिया इनको ठीक है इमेजिनेशन में ये मैं आ गया और मैंने ऊपर वाले की अदालत में डाल दिया केस और मैंने बोला भाई यार ये 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 हुआ माफ कर दो भाई माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो तीन चार पांच सेशंस किए

उसमें लिखा हुआ है कि यू शुड डू दिस इमेजिनेशन विद योर एंसेस्टर्स जिनको आपने देखा है जिनको नहीं भी देखा उनको इमेजिनेशन <laughs> बोला इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है वो नहीं समझा सकते बट देर इज ऑलवेज वी लोड नो राइट सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड जो बुक सीक्रेट है ना जिसको दिखाया जाता है कितने लोगों ने मूवी देखी? देखी है उसमें भी यही प्रिंसिपल बताया गया है तो ये प्रिंसिपल भाई बहुत सिंपल सा है। पैसे चाहिए, सुकून चाहिए, सुकून खुशी चाहिए। वो वॉरियर्स थे ना एलेक्जेंडर का नाम सुना अलेक्जेंडर से पूछा गया कि तुम कैसे दुनिया जीत लेते हो और बहुत दफा तुमने वो वो जंगे जीती हैं उस तरह से जिसके लिए तुम तैयार भी नहीं थे उसने बोला जंग जो वहां होती है वो तो दो चाराँच दस दिन कभी कभार महीना चलती है पर जंग जो मेरे दिमाग और दिल में चल रही होती है वो सालों साल चलती है और जब मैं वो जीत लेता हूँ तो मैं फिजिकल जंग भी जीत जाता हूँ ठीक है किसी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से पूछा गया कि तुम ये अवार्ड लेने आ रही हो इतना बड़ा नोबल लॉरियट तुमने ये ख्वाब पूरा हो गया कैसा लग रहा है बोली मेरे लिए कोई नई बात थोड़ी है मैं तो तीन साल से यही इमेजिनेशन कर रही हूँ यही कलर्स डाल रही हूँ यही इवेंट में मैं रेड कार्पेट चल कर आ रही हूँ और आज मैंने यही कपड़े पहने जो मैं ख्वाब में तीन साल से बिल्ड कर रही हूँ और आज ये चीज होगी मुझे इसमें कोई ताजुब नहीं होगी क्योंकि तो मैंने इसको क्रिएट किया अपने सबकॉन्शियस से मान के सो so, इतना पावर है इमेजिनेशन में कितने लोगों के पसंद है ठीक है तो आप इससे सिर्फ स्ट्रेस खत्म नहीं कर सकते आप इससे अपने अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ ला सकते हो नाउ यू वांट टू ग्रो स्पिरचुअली आप स्परिचुअली ऊपर वाले से मांगो आपको पैसे चाहिए आप पैसे मांगो अपने आपको सक्सेसफुल होते हुए देखो आपको आइडियाज रिसोर्सेस ताकत दुनिया में कहाँ से आएगी ये काम आपका नहीं ये काम सबकॉन्शियस पे छोड़ दो अब आप देखो केमिस्ट्री कितनी स्ट्रोंग है खुदा ने माइंड के अंदर भी तीन हिस्से बनाए उसमें भी खुदा को बिठाया है राइट तो अब बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता तो आज तो माइंड साइंसेस की थ्योरी कहती है कि सबकॉन्शियस माइंड है भाई और आइंस्टाइन जैसे जो बहुत बड़े बड़े गुजरे हैं नौ हजार पेटेंट लेके उनको बात करना आ गई थी सबकॉन्शियस माइंड से तो जब वो बात कर सकते थे और उसके बाद बोल के गए कि भाई इंसान के दिमाग में इतनी ताकत है कि आइंस्टाइन जैसा बंदा सिर्फ साढ़े तीन परसेंट दिमाग यूज करके गया था और दुनिया को हिला के चला गया था तो आप मैं तो शायद वन परसेंट यूज करते होंगे भाई यस और नो तो यानी कितना दिमाग के अंदर पावर मौजूद है अब वो आएगा कैसे क्या वो मास्टर्स, पीएचडी, ग्रेजुएशन वाइट पेपर टेट क्लासेस yes no? नहीं उससे बात कैसे करने आपको आ गया आज इमेजिनेशन के जरिए से कितने लोगों वाकई पसंद आया टॉपिक लिख लो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ठीक है हो सकता है पहली दफा बैठो बट है है। like? like, like you like okay. आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में जो बुद्धिस्ट होते हैं वो बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं पानी में खड़े रहते हैं माइंड शांत करते हैं फिर वो जाके अपने अंदर से वो स्ट्रेस को देख सकते हैं यानी इसको कहते हैं को देख सकते हैं या माइंड मैपिंग देख सकते हैं और वो उसको जाके डिलीट कर देते हैं सीक्वेंस राइट और जब डिलीट कर देते हैं तो वो देखते हैं कि पार्किंसन डिजीज तक लोगों का चला गया आपको हैरत होगी जान के तो आज साइंस ही कहती है कि जो बड़े बड़े डिसीजेज हो रहे हैं ना कैंसर पार्किसन अल्जाइमर उसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रेस थे जिसको

अगेन मेटाफिजिक्स इज साइंस जो स्पिरिचुअलिज्म को प्रूव करती है जो प्रूव हो जाता है वो मेटाफिजिक्स है है ठीक मेटाफि दूसरी चीज तो ये हमने जो सारी बात की ना ये हमने हाउ टू फोगेट की बात ठीक है फॉरगिव करना तो आसान है ना अपने आपसे बात की मैं क्यों फॉरगिव करू क्योंकि चलो मेरा बेटा है या मेरे यू नो पेरेंट्स है या यू you नो know, मेरी स्पाउस है या मेरा बिजनेस पार्टनर है यू you नो know, उसके साथ कुछ हुआ उसने मेरे साथ बुरा किया मैंने माफ कर दिया ठीक है ये मेरी पर्सनैलिटी है वो उसकी पर्सनैलिटी ठीक है माफ़ कर दिया माफ़ करना इज इजी फॉरगेट करना वाज डिफिकल्ट करेक्ट रेज योर हैंड हम यहीं पे फंसे हुए थे ना तो ये जो हमने इमेजिनेशन की है ना ये हमने फॉरगेट करने पे की है कि आज मैं एज अ फरीद फरीदानी फॉरगेट कर रहा हूँ जो जो किसी ने मेरे साथ किया पहले मैं फॉरगिव कर रहा हूँ मैं फॉरगेट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि लोग भी मुझे कर देंगे, ठीक है तो आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा ठीक है सो दिसंकर टू डे टॉपिक विच वॉज ऑन आज का टॉपिक मैंने आपको बताया नहीं था क्योंकि मैं बताता तो इतना इंटरेस्ट नहीं था बट ये टॉपिक का नाम था टेक्निक्स टू ओवरकम स्ट्रेस मजा ठीक है तो हम लोग स्ट्रेस 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 मेंटल हेल्थ बोलते रहते हैं दुनिया बोलते रहती है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं बताता राइट और डॉक्टर्स दवाई बोलते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बोलते हैं जिस जो कि टेम्प्ररी सोल्यूशन है परमानेंट सोल्यूशन ये है जो हमने पढ़ा और काम करो वर्क ऑन योर सेल्फ इमेजिनेशन में आई भी टैक्स नहीं लेता कोई एनर्जी भी नहीं जाती ज़्यादा आपको भागदाउट भी नहीं करनी पड़ती राइट So, आंख बंद करो आंखें खोलो इमेजिन करो पार्टी करो और थे थैंक यू